हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग? तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेडेक्स के अंदर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझेंगे एंड उसी बेस पे करीबन एक या दो ट्रेड प्लेस करने का ट्राई करेंगे। एंड जो भी मैं ट्रेड लूंगा उसको मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा, जिसको देख करके आपको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिल पाएगा। ओके, सो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आज की जो ये वीडियो है ना, इसमें हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी होती क्या है? मेनली कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में कैंडल्स के पैटर्न होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो किस पोजिशन में फॉर्म हो रहे हैं एंड उस पोजिशन पे फॉर्म होने के बाद उनका क्या बिहेवियर है, वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? एंड उसके बेस करके हम नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, सो चलो गाइस यूज करते इस तरीके को और देखते वीडियो में क्या होता है आगे आगे। ओके, एक सेकेंड वेट करना गाइस। सो गाइस, हम वीडियो में फिर से आ चुके हैं एंड हम पर्टिकुलर पार्ट पे लाइक कैंडल्स के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे। एंड इस वीडियो का मोटिव मेरा ये नहीं है कि मैं आपको अपना प्रॉफिट शो करूँ या फिर लॉस शो करूँ, मैं ओनली आपको सिखाना चाहता हूँ। सो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, रेदर देन आपका फोकस इस पर नहीं रहना चाहिए कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ या लॉस कर रहा हूँ, बस मैं आपको सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स गो गाइस। ओके, देखते हैं कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो और कैंडल्स के पैटर्न बनते हैं। तो करेंट टाइम में देख सकते हो एक बुलिश सिग्नल, पहले मैं आप एक ट्रेड सेल के ले रहा हूँ, अगर लॉस होगा तो देखा जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मार्केट में क्या हुआ गाइस, यहाँ पे भी लॉस लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक पैटर्न बना है, साइकोलॉजी समझो, एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग बना है, कंटिन्यूएशन साइंस। ये क्या इंडिकेट करता है कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है जो कि एक कंटिन्यूएशन साइन दिए जिससे मार्केट कंटिन्यू होगा, ठीक है? मार्केट कंटिन्यू तो हुआ और ग्रीन कैंडल भी यहाँ बना है, बट जो ग्रीन कैंडल बना है वो रिसेंट एक स्पिनिंग टॉप कैंडल के हाइज का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि यहाँ बुलिश इनगल्फिंग काम किया कहाँ तक के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, एंड इसके बाद मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फेल होगा और वो नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? बिकॉज यहाँ पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग ओपन मारुहु कैंडल का 50% का लेवल है, कोई भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का 50% का लेवल एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पैदा करता है, ठीक है? उसी को देख करके हमने ट्रेड किया था एंड ये हमारा शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है। सो गाइस, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बाइनरी में अगर आपको आगे बढ़ना ना तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा। ओके, सो अगर आपको इंटरेस्टेड है बाइनरी ट्रेडिंग में एंड इसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप मुझसे सीख सकते हो। मैं लोगों को कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। सो अगर आपको मुझसे मेरी ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीख सकते हो, जिसमें मैं अपना लाइफ टाइम का सपोर्ट भी देता हूँ अंटिल जब तक आप ट्रेडिंग सीख ना जाओ तब तक, ठीक है? विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। ओके, सो अगर आपको मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपरली ट्रेडिंग सीखना है तो कोर्स का डिटेल गाइस टेलीग्राम पर है एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहां पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपरली ट्रेडिंग सीख सकते हो। ओके, सो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ट्रेड करूंगा। यहाँ पर मैं एक सेल की ट्रेड लगा रहा हूँ, आपको पता है क्यों? बिकॉज यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है। कैंडल की साइकोलॉजी क्या है आपको भी पता है। देखो मार्केट एक अप मूव में है एंड एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस एरिया पे या फिर राउंड नंबर के लेवल पे कह दो, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है, न्यू हाई के साथ एक शूटिंग स्टार बना है। शूटिंग स्टार कैंडल की साइकोलॉजी एक रिवर्सल कैंडल की होती है। अगर यही कैंडल कहाँ बनता, सपोर्ट पे बनता, तो हम यहाँ पर बाई करते हैं, तब इसका नाम सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर हो जाता। बट अगर ये रेजिस्टेंस एरिया पे फॉर्मेशन होती है तो इसे एक क्या कहते हैं गाइस, इसे कहते हैं शूटिंग स्टार। ओके, सो उसी को बेस करके हमने एक और सेल की ट्रेड लगाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है एंड ये एक स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल बनेगा। सो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट अगर लॉस होता तो हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर ये ग्रीन कैंडल अपने रीसेंट ग्रीन कैंडल के हाई का अगर ब्रेकआउट करती है तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, नहीं कर पाती है तो सेल कर देंगे, ठीक है? तो नहीं कर पाई है तो गाइस हम यहाँ पे दो ट्रेड तीन ट्रेड में यहाँ पे सेल की लगा रहा हूँ, क्योंकि अब मैक्सिमम चांस है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगा। क्यों रेड बनेगा? क्योंकि कैंडल की साइकोलॉजी समझो, पहली बात तक रिवर्सल कैंडल है जो मार्केट को नीचे ले जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है इसका रिट्रेसमेंट हो फिर मार्केट फॉल हो, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि मार्केट में जो ये ग्रीन कैंडल आई वो रिसेंट किसी भी हाई का ब्रेकआउट करने में फेल हो गई,
मार्केट की एक ये हाई है और एक ये वाला हाई है, ठीक है। इस दोनों हाई का वो ब्रेकआउट करने में फेल हो गया। आफ्टर फेलियर मार्केट का ये जो बाइंग कैंडल था वो वीक हो गया, जो मूवमेंट है वो वीक हो गई। ये इंडिकेट करता कि मार्केट में अब बाइंग में प्रेशर नहीं, मार्केट गिर सकता है, ठीक है। सो उसी को देख करके हमने अगर यहाँ पे ट्रेड किया था, और ये हमारा भी फिलहाल देख सकते हो शॉर्ट शॉर्ट जा रहा है। और अगर मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग बाइनरी में लॉस करके भी बैठे होते हैं, ना उनके पास पैसे होते सीखने के लिए ना ट्रेड करने के लिए। सो अगर आपको अपना लॉस कवर अप कराना है, लॉस रिकवरी करना है, तो आप मेरे सिग्नल्स कॉपी कर सकते हो। मैं भी अपने VIP सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। मैं पर डे अपने VIP ग्रुप में 3 to 5 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स देता हूँ। सो अगर आपको मेरा VIP ग्रुप ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी पुराना क्वाटेक्स अकाउंट है उसको क्या करोगे, उसको डिलीट कर दो। फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको मेरे क्वाटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। उस पर क्लिक करके आप एक न्यू क्वाटेक्स अकाउंट बना लो, और उस पर मिनिमम $30 to $40 का डिपॉजिट करो। आफ्टर डिपॉजिटिंग दैट पर्टिकुलर मनी, आपको अपनी क्वाटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाकर के वहाँ पर मुझे अपनी कॉटेक्स आईडी सेंड कर दो, फिर मैं आपकी आईडी वेरीफाई करूँगा कि हाँ भाई ये जो अकाउंट है वो मेरे लिंक के थ्रू ही ओपन है या फिर नहीं है। अगर ओपन है तो मैं आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पर आपको पर डे 3 to 5 श्योर शॉर्ट सिग्नल्स देखने को मिल जाएंगे, ओके। एंड साथ ही साथ गाइस क्या होता है ना, श्योर शॉर्ट सिग्नल्स मिलने के बाद क्या होगा, जैसे आपको मिल गया, फिर जैसे आप ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग खुद से करते हो, कहीं दिक्कतें होती है, तो आपको लाइफ टाइम का भी सपोर्ट मिल जाएगा, ओके। तो चलो गाइस एक लास्ट ट्रेड लेते हैं एंड फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। सो चलो कहीं पर ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को, और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, ओके। करंट टाइम में गाइस देख सकते हो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से नीचे गिरा, अब यहाँ से ऊपर उठने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना, यहाँ पर एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना, बिकॉज इसने 50% ऑफ लेवल को ब्रेक किया है, और एक बुलिश पैटर्न होता है। मार्केट कंटिन्यू के रिट्रेसमेंट और ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब इस कैंडल का साइकोलॉजी समझो गाइस, कैंडल में क्या हो रहा है, सेलर्स इंटरेस्टेड है, पर जो नेक्स्ट रिवर्सल पॉइंट है वो 45 के लेवल पर है, यहाँ पर है, ठीक है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। एक कन्फर्मेशन के लिए हम यहाँ पे झट से क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, नहीं मिल रहा गाइस, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, ये मिलेगा हमें पेंसिल वाले ऑप्शन में, फिबोनाची फैन का, ठीक है। सो मेरे हिसाब से गाइस नेक्स्ट कैंडल भी फिलहाल कंटिन्यू करेगी एज टू मी, और देखते हैं क्या होता है। अगर कंटिन्यू नहीं करती है तो कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, अगर कंटिन्यू नहीं करती है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। देखो इस हमने यहाँ पे एक नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूएशन के लिए लगाया है, क्यों लगाया, सिंपल से समझाता हूँ। देखो मार्केट में गाइस क्या हुआ था, अभी फिलहाल लॉस होगा तो हम कवर अप भी करेंगे, और मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक क्या बना, पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना, जो कि बुलिश पैटर्न होता है, जो मार्केट को ऊपर ले जाता है। पहला कन्फर्मेशन, मार्केट ऊपर भी गया, उसकी रिट्रेसमेंट आई है, पैटर्न का रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट ने कंटिन्यू करा, एक डोजी या पिन बार कैंडल किया था उसके साथ। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आया, जिसने रिसेंट रिट्रेसमेंट के हाई का ब्रेकआउट किया बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, और कहीं पे भी सेलर्स अवेलेबल नहीं, ओवरऑल डाउन ट्रेंड था। तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठने के चक्कर में गए, जहाँ बुलिश पैटर्न अवेलेबल हुआ है, और मार्केट बैक टू बैक ऊपर जाएगा, और बैक में यहाँ पे कोई भी रिवर्सल्स के लेवल जो है वो नेक्स्ट SNR के पास करीबन इसके आसपास 45 के पास, जो मैंने पहले कहा था करीबन इसके पास है यहाँ तक, तो मार्केट एटलीस्ट इस लेवल तक पे जाएगा। तो उसी को देखकर हमने इस पे ग्रीन कलर की कैंडल पे ट्रेड किया था, और देखो जो मैंने यहाँ फिबोनाची फैन ड्रॉ किया, उसके 0.25% लेवल से ही इसने रिजेक्शन लेकर के ऊपर की साइड क्लोजिंग दिखाई है। तो गाइस टोटली हमने 3 ट्रेड लिए साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके, और वो हमारा विन हो चुका है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक ले गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस, ओके।